हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए शॉर्ट्स में। आज के शॉर्ट्स से हम बहुत कुछ सीखेंगे और इंग्लिश के स्किल को और डेवलप करेंगे। आज हम सीखेंगे एडवाइस वर्सेज एडवाइस वर्सेज एडवाइसेज। सबका अलग अलग रोल है। एडीवीआईसी का मतलब एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है सलाह। एडीवीआईएसी का एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है सलाह देना। और एडीवीआईसीएस का मतलब होता है व्यापारिक सूचना, व्यापार से मिलने वाली सूचना। क्वेश्चन से पता चलेंगे। पहली बात करेंगे दिस डैश इज सुटेबल फॉर देम। दिस एक एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, इसलिए यहाँ पर एडवाइस आएगा एडीवीआईसीई। और नाउन एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। दिस एडवाइस इज सुटेबल फॉर देम। नंबर दूसरा क्वेश्चन में हम आएंगे, लिखा द टीचर मी। मी एक ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या तो प्रेपोजिशन के बाद आती है या तो वर्ब के बाद आती है, यानी कि यहाँ ए आएगा। तो इसका सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे एडीवीआईएसई दी। द टीचर एडवाइस मी टू रीड दिस बुक। टीचर ने हमें सलाह दिया यह किताब पढ़ने के लिए। नंबर तीसरा है आई रिसीव डैश फ्रॉम माई दिल्ली ब्रांच। मैं दिल्ली ब्रांच से, मेरा एक ब्रांच दिल्ली में, और वहां से मुझे एक व्यापारिक सूचना मिली एडीवीआईसीएस एडीवीआईसीएस। तो बताइए कैसा लगा वीडियो। अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो आप जरूर शेयर करें और ऐसे हम मुझे इंकरेज करें नए नए शॉर्ट्स बनाने में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।